Hey friends, welcome back to the NSC Tech channel. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को एक चार्जर जो है MI के चार्जर जो होते हैं उनका कंपैरिजन करके बताने वाले हैं और दोस्तों हम लोग ये भी आपको बताएंगे कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का तीनों MI चार्जर में से कौन सा सबसे अच्छा क्वालिटी का है और आपको कौन सा लेना चाहिए और आपके बजट में कौन सा सबसे अच्छा बैठेगा वो भी हम लोग आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को सिंपल से बैठ के लास्ट तक देखना और सब समझ लीजिएगा। और दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके सो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको इन तीनों MI के चार्जर्स के बारे में बताने वाले हैं और इसके अंदर जो हिडन फीचर्स हैं और जो इसकी क्वालिटी है और अफोर्डेबिलिटी है वो सब हम आपको बताने वाले हैं। सो दोस्तों सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, जो हमारा फर्स्ट चार्जर है ये वाला, ये हमारा दोस्तों MI का 2 एम्पियर चार्जर है। तो दोस्तों ये राइट नाउ तो फिलहाल जो मैंने अभी नेट पर प्राइसेस चेक करी थी जो आज की डेट है हमारी इस पर, तो ये वाला 350 का था दोस्तों, ये वाला 450 का था। और जो हमारा 18 सेकेंड वाला चार्जर है इसका नाम है क्वालकॉम 3.0 चार्जर, ये हमारा दोस्तों 450 का था। और दोस्तों जो हमारा 18 वॉट ड्यूल पोर्ट चार्जर है ये वाला अभी 600 रुपीज़ का था। तो दोस्तों ये इन तीनों की प्राइजेस थी। सो दोस्तों मैं आपको सबसे शुरुआत से बता देता हूँ, तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा MI का 2 एम्पियर चार्जर। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा चार्जर होता है दोस्तों, ये चार्जर मैं मोर देन 3 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ इन दोनों चार्जर्स को दोस्तों, ये वाला और ये वाला, जो हमारा क्वालकॉम 3.0 चार्जर है और जो हमारा 2 एम्पियर चार्जर है, इन दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। आज तक ये कभी ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ एक बार मेरे को इस वाले चार्जर की जो केबल थी वो चेंज करनी पड़ी। तो दोस्तों ये चार्जर्स कभी ख़राब नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इनकी, अफोर्डेबल भी है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम अगर जो दूसरे नॉन ब्रांडेड अलग अलग कंपनियों के थर्ड पार्टी ब्रांडेड जो हम लेने जाते हैं चार्जर्स, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, मैंने देखा है शॉप्स पे, और उनकी भले गारंटी वगैरह दी जाती है, इनकी 1 महीने की आपको गारंटी मिलती है, सॉरी 3 महीने की गारंटी मिलती है, उनकी आपको 1-1 साल की भी मिलती है, बट दोस्तों उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, बिल्ड क्वालिटी इनकी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ये MI के रहते हैं Xiaomi कंपनी के। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट वाला रहता है ये 2 एम्पियर चार्जर है दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दूँ कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी आपको, और जो जो भी आपके नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं उनको ये काफ़ी मतलब अच्छी स्पीड से चार्ज कर सकता है किसी भी तरह के फ़ोन को नॉर्मली। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल कि हम जैसे अगर कह सकते हैं कि आधे घंटे में दोस्तों ये चार्जर हमको 0 से 20% तक पहुंचा के दे सकता है बैटरी, या थोड़ी और ज़्यादा भी पहुँचा सकता है 25% तक, क्योंकि दोस्तों जो हमारे चार्जिंग स्पीड होती है वो कई बार मोबाइल टू मोबाइल भी डिफरेंट होती है। तो दोस्तों मैं आप बिल्कुल ऐसा मत लीजिएगा कि ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, टाइम में वेरिएशन भी आ सकते हैं चार्जिंग के। तो बट दोस्तों ये काफ़ी मतलब डिसेंट चार्जर है मैं कहूँगा, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और अफोर्डेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब सस्ता भी है दोस्तों ये, अच्छा भी है चार्ज करने में और ख़राब वराब भी नहीं होता, कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं करता। तो दोस्तों हम सेकेंड नंबर पर अब बात करेंगे हमारे क्वालकॉम 3.0 चार्जर की। तो दोस्तों अब मैं आपको इस चार्जर के हिडन फीचर्स आपको बता दूँ। क्वालकॉम 3.0 चार्जर इसका मतलब है कि दोस्तों ये चार्जर एक टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर मतलब दोस्तों अलग अलग कंपनियों में ये अलग अलग नामों से है। सो दोस्तों अगर आप मोटोरोला के फ़ोन को इस चार्जर से रिचार्ज करेंगे क्वालकॉम 3.0 चार्जर से, तो दोस्तों आपको ये अपने फ़ोन में टर्बो चार्जर दिखा शो करेगा, इसका मतलब है दोस्तों ये बहुत हाई स्पीड में रिचार्ज करता है फ़ोन को। और दूसरी चीज़ दोस्तों MI के फ़ोनों में आपको ये फास्ट चार्जर के नाम से दिखाई देगा, और दोस्तों कुछ मोबाइलों में ये आपको क्विक चार्ज के नाम से दिखाई देगा। तो दोस्तों ओरिजिनली इसको क्वालकॉम ने क्विक चार्ज मतलब जो इसकी टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करता है फास्ट चार्जिंग के लिए, इसको दोस्तों ओरिजिनली क्वालकॉम ने क्वालकॉम क्विक चार्ज नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये एक टर्बो चार्जर होता है जो कि आपके फ़ोनों को बहुत तेज चार्ज करता है, बट दोस्तों इसके लिए दो चीज़ें मैंडेटरी होती है होना। फर्स्ट चीज़ दोस्तों कि आपका जो फ़ोन हो वो क्विक चार्ज को सपोर्ट करता हो या टर्बो चार्ज को सपोर्ट करता हो। MI में दोस्तों ये फास्ट चार्ज के नाम से रहता है MI के फ़ोनों में। तो दोस्तों MI का अगर जैसे आपके फ़ोन में ये सपोर्ट करता होगा तो आपके एक तो आपके फ़ोन का सपोर्ट ज़रूरी है इसको चलने के लिए, और दूसरी चीज़ दोस्तों डेटा केबल ज़रूरी है। जो दोस्तों सस्ती वाली नॉर्मल चार्जिंग केबल आती है वो इसमें नहीं काम करेगी, आपको इसमें डेटा केबल ही लगेगी। जब तक कि दोस्तों आप डेटा केबल नहीं लगाएंगे आपके फ़ोन में क्विक चार्ज का
जो आइकन आता है वो नहीं अपेयर होगा दोस्तों। एक क्विक चार्ज का आइकन होता है जो कि दोस्तों आपको ये थोड़ा सा इधर धुंधला हो गया, ये आइकन इस तरह का दिखता है, या तो आप अगर सर्च करेंगे नेट पे भी तो आपको दिख जाएगा ये आइकन। और एमआई के फ़ोनों में दो इलेक्ट्रिक जो दो हमारे फ्लैश के आइकन रहते हैं वो आने लग जाते हैं अगर हम अभी क्विक चार्ज यूज़ करते हैं हमारे नए लेटेस्ट MIUI 12 सॉफ्टवेयर में। तो सो दोस्तों ये वाला का हमारा रिव्यू हो गया। बाकी दोस्तों इसकी अफोर्डेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, 450 रुपये में ये बहुत अच्छा चार्जर है दोस्तों। और दोस्तों ये इसको इस चार्जर को अभी तक 3 साल हो चुके हैं मेरे को यूज़ करते हुए, कभी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई दोस्तों। सो नॉर्मली दोस्तों मैं यूज़ करता था, बाकी आपको दिख ही रहे होंगे इसमें स्क्रैचेस और वियर एंड टीयर के निशान हैं, बट दोस्तों ये चार्जर अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोस्तों इसमें। सो दोस्तों ये अफोर्डेबल भी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और इसमें आपको एक टर्बो चार्ज का या क्विक चार्ज या फास्ट चार्ज आप बोल सकते हैं इसका ऑप्शन भी मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप जैसे फास्ट चार्ज या क्विक चार्ज या टर्बो चार्ज इन तीनों में से कुछ भी आप लेंगे, क्विक मतलब क्विक चार्ज 3.0 कोई भी दूसरा चार्जर लेंगे, तो दोस्तों वो चार्जर 750 रुपये से ऊपर के मिलेंगे आपको। और आप किसी मोबाइल की दुकान में ऐसे आप मांगने जाएंगे कि हमको क्विक चार्ज चाहिए तो वो आपको समझ भी नहीं पाएगा दुकानदार। तो दोस्तों ये इसका हिडन फीचर है कि ये क्विक चार्ज 3.0 चार्जर है जो कि आपको 450 रुपये में मिल जाता है एमआई से शाओमी का। सो दोस्तों नेक्स्ट चीज अब अपन आएंगे इस वाले चार्जर पर। दोस्तों ये भी एमआई का ही चार्जर है, इसका नाम है दोस्तों MI 18 वॉट रिचार्जर, ड्यूल पोर्ट रिचार्जर, MI 18 वॉट ड्यूल पोर्ट रिचार्जर। सो दोस्तों इसमें ये रहता है कि दोस्तों ये वाला भी बिल्ड क्वालिटी में, जैसे कि मैंने आपको दो चार्जर के बारे में बताया था, ये भी बेस्ट है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में अपनी, और अफोर्डेबल भी है दोस्तों। आपको 600 रुपीज़ में ये बहुत अच्छा अफोर्ड हो रहा है, मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि दोस्तों इसके प्राइजेस बाद में मैं इन तीनों के प्राइस आपको बता दूँ चेंज हो ही जाएंगे, ये ज़्यादा ही महंगे हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल 600 इसका प्राइस काफ़ी अच्छा है। और बाकी दोस्तों ये वाला जो हमारा चार्जर है 18 वॉट ड्यूल पोर्ट चार्जर, दोस्तों ये वाला भी एक ये टर्बो चार्जर ही है, जो भी पूरी इसकी क्वालिटीज़ है हमारी क्विक चार्ज 3.0 की वो पूरी हमको इसमें भी मिलती है। तो दोस्तों जो हमारा ड्यूल पोर्ट है मैं इसका आपको यूज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आपको अगर टर्बो चार्ज यूज़ करना है तो दोस्तों आपको एक ही फ़ोन आप रिचार्ज कर सकते हो, तभी ही टर्बो चार्ज एक्टिवेट होता है। और दोस्तों इस चार्जर में अगर आप दो फ़ोन को एक साथ रिचार्ज करने जाते हैं तो दोस्तों फिर ये टर्बो चार्ज नहीं ऑफ कर देता है। और दोस्तों जो हमारा नॉर्मल जैसे ये वाला है 2 एम्पियर चार्जिंग, तो दोस्तों ये 2 एम्पियर चार्जिंग के थ्रू दोनों फ़ोन को रिचार्ज कर देता है। बट दोस्तों जब आप अगर सिंगल फ़ोन लगाएंगे तभी ये क्विक चार्ज टर्बो चार्ज यूज़ करता है। तो दोस्तों बाकी बिल्ड क्वालिटी इसकी भी बहुत बेस्ट है, और मैं तो सबसे ज़्यादा सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ड्यूल पोर्ट चार्जर लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि कई बार वियर एंड टीयर की वजह से हमारे यूज़ करने की वजह से खींचा खाची या किसी एक्सीडेंट की वजह से जो पोर्ट होता है ये वाला जिसमें अपन USB केबल लगाते हैं ये ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप ड्यूल पोर्ट चार्जर लेंगे तो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा कि आपको दो पोर्ट मिलेगी, तो मान लीजिए एक एक पोर्ट ब्रेक हो भी गई तो हमारी एक पोर्ट तो चालू रहेगी। तो दोस्तों अफोर्डेबिलिटी में भी ये चार्जर बहुत अच्छा है, 600 रुपीज़ में आपको टर्बो चार्जिंग का फीचर भी मिल रहा है, प्लस दो फ़ोन चार्ज करने के लिए ड्यूल पोर्ट्स भी मिल रही है। सो दोस्तों यही था हमारे इन तीनों रिचार्जर्स का रिव्यू। तो दोस्तों ये तीनों रिचार्जर्स मैंने कई सालों से ओन कर रहा हूँ और कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोनों को, मेरे फ़ोन चेंज हो गए दोस्तों बट ये रिचार्जर्स चेंज नहीं हुए अभी तक। बाकी दोस्तों ये बेस्ट रिचार्जर्स हैं, सो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये ले सकते हैं जो भी आपकी तीनों में से पसंद आए। दोस्तों ज़्यादा मैं प्रेफर इन दोनों को करूँगा क्योंकि आजकल सारे बेसिकली फ़ोनों में रेडमी नोट 7 के ऊपर के बेसिकली जितने भी मॉडल्स हैं उन सब में टर्बो चार्ज का आपको फीचर मिल जाता है। सो दैट्स ऑल वीडियो दोस्तों, हमने आपको सारे इन चार्जर्स के बारे में प्रोज एंड कॉन्स तो बता दिए इस वीडियो में, और आपको हमने जो दोनों 18 वॉट चार्जर है हमारा ड्यूल पोर्ट और जो हमारा क्विक चार्ज 3.0 चार्जर है, ये दोनों दोस्तों इनके हमने आपको हिडन फीचर्स भी बता दिए। बाकी दोस्तों ये हमारा नॉर्मल चार्जर होता है 2 एम्पियर वाला, इसमें कोई ऐसे हिडन फीचर नहीं होते। बाकी इन दोनों में हिडन फीचर होते हैं जब आप डेटा केबल लगाएंगे तभी, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता होगा टर्बो चार्ज या क्विक चार्ज या फास्ट चार्ज, तो ये ऑटोमेटिक इसमें फ़ोन में आपके डिस्प्ले करेगा और आइकन भी शो करेगा। सो दैट्स ऑल वीडियो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।